ओके, नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13. सो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर्स एंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर. कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस. ओके, सो क्वेश्चन हमें दिख रहा है कि ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कुछ गिवन डेटा है. तो जैसा अभी मैंने कहा, आप क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन और टू फाइंड और सॉल्यूशन लिख के सॉल्व करते हैं, सेम वही चीज हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे. सो लेट अस राइट द गिवन डेटा. गिवन डेटा, गिवन, व्हाट इज गिवन? गिवन इज एक कन्वर्जिंग मिरर है जो कि एक रियल इमेज फॉर्म करता है 4 सेंटीमीटर हाइट की. 4 सेंटीमीटर हाइट की एक इमेज फॉर्म होती है. सो हाइट ऑफ इमेज इज एच आई विच इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. साइन कन्वेंशन बाद में करेंगे, सबसे पहले गिवन डेटा को लिख देते हैं. सो 4 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ इमेज नाउ. एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर. इट मीन्स हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 1 सेंटीमीटर. नाउ इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर. किस चीज को 20 सेंटीमीटर अवे प्लेस किया मिरर से? हमने ऑब्जेक्ट को. सो ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर्स. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर्स. देन व्हाट? इट इज गिवन दैट द मिरर इज कॉन्वर्जिंग मिरर. सो कॉन्वर्जिंग मिरर से हम क्या समझ सकते हैं? व्हाट इज अ कॉन्वर्जिंग मिरर? विच इज अ कॉन्वर्जिंग मिरर? कॉन्वर्जिंग मिरर इज अ कॉनकेव मिरर. सो आई विल राइट हेयर वंस अगेन. कॉनकेव मिरर इज अ मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर. कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर. कॉनकेव मिरर इज अ कॉन्वर्जिंग मिरर. मतलब ये लाइट को कॉन्वर्ज कर देता है, एक जगह पे फोकस कर देता है. लाइट की बीम अगर बहुत बड़ी सारी कुछ ऐसी आ रही है तो उसको कॉन्वर्ज करके एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर देता है. डाइवर्जिंग मिरर क्या करता है? डाइवर्जिंग मिरर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है इधर से उधर. क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर पे अगर एक बीम ऑफ लाइट पड़ती है तो वो कुछ बिखर जाती है. जैसा हमने देखा था कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स में, वही चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. जैसा कि क्वेश्चन में आपने देखा है, लिखा हुआ है कॉन्वर्जिंग मिरर. सो इट डजेंट मैटर कि आपको कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर लिखा हुआ मिले, आपको कॉन्वर्जिंग मिरर या डाइवर्जिंग मिरर भी लिखा हुआ मिल सकता है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉन्वर्जिंग मिरर क्या था और डाइवर्जिंग मिरर क्या था. ओके, नाउ अब हमने सारे गिवन डेटा को लिख लिया है, पूरी तरह से गिवन डेटा को समझ लिया है. Now what we need to find? We need to find the image distance and focal length. Okay, so let us write to find image distance and focal length. इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, वी नीड टू फाइंड दिस. नाउ अब आप ये सोच रहे होंगे कि साइन कन्वेंशन तो किया ही नहीं, साइन कन्वेंशन के बिना हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो वी विल नाउ डिस्कस द साइन कन्वेंशन, बिकॉज हम यहाँ देख सकते हैं कि
कि आपको इमेज का साइज दिया हुआ है हाइट ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इमेज का नेचर दिया हुआ है। इमेज का नेचर इज अ रियल इमेज, जो भी इमेज फॉर्म हो रही है वो एक रियल इमेज फॉर्म हो रही है। ओके, नाउ इट इज अ कॉनकेव मिरर, सो लेट अस ड्रॉ अ कॉनकेव मिरर फर्स्ट। जब तक हम कॉनकेव मिरर को ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा, तब तक हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकेंगे। लेट अस से दिस इज अ कॉनकेव मिरर। इन दिस कॉनकेव मिरर हमें यह दिया हुआ है कि इमेज जो है वो रियल है। इमेज अगर रियल है इट मींस इमेज कहां बन रही होगी, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी प्रिंसिपल के इस तरफ, पोल के इस डायरेक्शन में बन रही होगी, दैट इज इन लेफ्ट डायरेक्शन। सो दिस इज योर पोल, पोल की लेफ्ट डायरेक्शन में अगर इमेज बनती है सो इमेज का जो साइन कन्वेंशन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ऑब्वियसली नेगेटिव, बिकॉज वर्चुअल इमेज पॉजिटिव में बनती है, रियल इमेज नेगेटिव में बनती है। ओके, नाउ सो इट मींस जो इमेज का डिस्टेंस है वो नेगेटिव है। हमें ये पता चल गया कि ये डिस्टेंस नेगेटिव है, बट हम इसे अभी बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव मान के चलते हैं, अपने आप आंसर में वो चीज नेगेटिव आ जाएगी। ओके, सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय वी एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। नाउ अगर मैं हाइट ऑफ इमेज की बात करूं जो कि 4 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसका साइन कन्वेंशन हम पता लगा सकते हैं। अगेन हमें दिया हुआ है कि इमेज जो फॉर्म हो रही है वो रियल इमेज है, और अगर आप सभी रे डायग्राम्स को याद करेंगे, सो सभी रे डायग्राम्स को जब आप याद करेंगे सो यू विल रिमेंबर कि यू विल रिमेंबर कि जो रियल इमेजेस होती हैं रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेजेस हमेशा हमें इन्वर्टेड फॉर्म में ही मिलती है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। कॉन्वेक्स मिरर में तो खैर नहीं बनती, लेकिन कॉनकेव मिरर में जो भी रियल इमेजेस फॉर्म होती हुई दिखती हैं वो सभी इमेजेस इन्वर्टेड होती हैं। अगर वो इमेज वर्चुअल है तो वो इरेक्ट हो जाती है, लेकिन जो इमेज रियल है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। ऐसा आप सभी रे डायग्राम्स को एक बार रिव्यू करके समझ सकते हैं। सो अगर रियल इमेज इन्वर्टेड है, सो लेट अस से कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो मेरी इमेज कहां बनेगी, नीचे की तरफ। अगर मेरा ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है तो मेरी इमेज कहां बनेगी, ऊपर की तरफ। बट बाय डिफॉल्ट आप ऐसा मान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर है। सो सेकेंड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, अज्यूम ऑब्जेक्ट टू बी अबव प्रिंसिपल एक्सिस। सो बाय डिफॉल्ट हम मानेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मान रहे हैं या ऊपर मान रहे हैं, बिकॉज अगर आप ऑब्जेक्ट को ऊपर मानेंगे तो इमेज नीचे बनेगी, और अगर आप ऑब्जेक्ट को नीचे मानेंगे सो इमेज ऊपर बनेगी। सो अल्टीमेटली दे विल बी इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, जो इमेज होगी वो इन्वर्टेड ही बनेगी। सो इट डजंट मैटर, सो बाय डिफॉल्ट आप मान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। सो इट मीन्स ऑब्जेक्ट का जो हाइट है दैट इज पॉजिटिव, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उसे हम पॉजिटिव लेंगे, और इमेज की जो हाइट है उसके उसे इमेज की हाइट, इमेज हाइट इज 4 सेंटीमीटर एंड इट इज रियल, दैट मीन्स इट इज इन्वर्टेड। सो इट मीन्स ये नीचे बन रही है, नीचे बन रही है, सो इट इज नेगेटिव, क्योंकि हमने पढ़ा था जो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है वो सभी निगेटिव होती है। नाउ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉट अबाउट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट साइड फ्रॉम द पोल, आपके पोल से ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड में आ रहा है, इट मींस ऑब्जेक्ट इज निगेटिव। सो ऑब्जेक्ट के लिए भी हम लिख देते हैं इट इज निगेटिव।
नाउ सो गिवन डेटा हमने लिख लिया, सारे अजम्पशन हमने देख लिए और जो भी फाइंड करना था उसे भी लिख दिया. नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. वी नीड टू फाइंड इमेज डिस्टेंस. हमें इमेज का डिस्टेंस पता करना है. इमेज का डिस्टेंस पता करने के लिए क्या फॉर्मूला हम लगा सकते हैं? या तो हम मिरर फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर हम मैग्निफिकेशन. चलिए देखते हैं कौन सा हम अप्लाई कर सकते हैं. क्या हम मिरर फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? इट इज 1/फोकस इज इक्वल्स टू 1/ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 1/ डिस्टेंस ऑफ इमेज. लेकिन यहाँ पे हमें फोकल लेंथ तो फाइंड करनी है. फोकल लेंथ तो गिवन ही नहीं है. सो विदाउट फोकल लेंथ वी कांट यूज मिरर फॉर्मूला बिकॉज हमारे पास ना इमेज का डिस्टेंस गिवन है ना फोकल लेंथ गिवन है. सो इट मीन्स हमें मैग्निफिकेशन फॉर्मूला अप्लाई करना है. मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या कहता है? सेज मैग्निफिकेशन फॉर्मूला सेज एम इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ विच इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू. सो लेट अस यूज दिस. लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एच आई एच ओ वी एंड यू. एच आई इज हाइट ऑफ इमेज. हाइट ऑफ इमेज इज 4 cm बट इट इज नेगेटिव. सो इट मीन्स इट इज -4 cm डिवाइडेड बाय यू विल हैव एच ओ. एच ओ इज 1 cm बट इट इज पॉजिटिव. सो इट मीन्स दिस इज +1 इज इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ वी एज इट इज. वी के बारे में हमें साइन नहीं पता. सो लेट अस अज्यूम कि वी इज एज इट इज. इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू. देन यू. यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 20 cm बट इट इज अ निगेटिव वैल्यू. सो इट मीन्स अपॉन -20. नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. निगेटिव निगेटिव विल गेट कैंसल्ड. 20 cm को आप यहां पे ला सकते हैं. सो वी विल गेट वी इज इक्वल्स टू -4 × 20. देयरफॉर वी इज इक्वल्स टू -80 cm. सो डिस्टेंस ऑफ इमेज इज -80 cm. -80 मीन्स फ्रॉम पोल टू लेफ्ट साइड. सो इट मीन्स जो हमारी इमेज है वो लेफ्ट साइड में बन रही है. और ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो रियल इमेज है तो उसको लेफ्ट साइड में ही बनना पड़ेगा. ऐसा हम कह सकते हैं. वर्चुअल इमेज जो होती है वो राइट साइड में बनती है, जो रिफ्लेक्टिंग साइड है उसके इस तरफ. लेकिन अभी रियल इमेज इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के डायरेक्शन में ही बनेगी, विच इज अ राइट डायरेक्शन. ओके. सो हमने यहाँ पे साइन कन्वेंशन को पॉजिटिव माना था इमेज डिस्टेंस के लिए, लेकिन सॉल्व करने में ऑटोमेटिकली वो -80 आ गया. मीन साइन कन्वेंशन अपने आप ही निगेटिव आ गया. अगर आप यहाँ पे निगेटिव लेते तो ये साइन पॉजिटिव आ जाता. सो टू अवॉइड कन्फ्यूजन बिटवीन दीज टू हम ऐसा अज्यूम करके चलेंगे कि साइन इसका हम पॉजिटिव ही माने. ओके. नाउ यू नीड टू फाइंड फोकल लेंथ. नाउ हाउ आई विल फाइंड फोकल लेंथ? ऑब्वियस सी बात है, हमने मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज कर लिया. अब क्या बचा है? दैट इज अ मिरर फॉर्मूला. सो लेट अस अप्लाई द मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला सेज 1/f equals to 1/u plus 1/v. So 1/f is equals to 1/u is 1/-20 plus 1/v is -80. Now you need to solve this. Let us solve this. 1/f is equals to LCM. 80 and 20 का अगर हम LCM निकालेंगे, so LCM will be 80 only. और लेट अस से -80. इट डजेंट मैटर. नाउ ऊपर क्या आएगा? 80/20 इज 4. 4 × 1 इज 4 प्लस 80/80 इज 1. सो 1 एज इट इज. सो यू विल गेट 4 + 1 / -80 इज इक्वल्स टू 1/f. नाउ f विल बी इक्वल्स टू -80 डिवाइडेड बाय 4 + 1, that is 5. Now, 80/5 is 16. So, f is equals to, you can cancel this, 16 minus 16 centimeters.
सो एफ कितना आ गया, एफ आया -16 सेंटीमीटर एंड निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इट इज अ कॉनकेव मिरर, मीन्स पोल के इस तरफ. साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर टू यूज द साइन कन्वेंशन. अगर आपने एक भी साइन गलत ले लिया सो क्वेश्चन पूरा गलत होने की संभावना है. पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे. यू नीड टू बी वेरी केयरफुल यूजिंग द साइन कन्वेंशन. बस ये चीज़ याद रखनी है कि जो रियल इमेज है वो इन्वर्टेड बनती है, वर्चुअल इमेज है वो इरेक्ट बनती है. वर्चुअल इमेज हमेशा पोल के इधर बनेगी, रियल इमेज हमेशा पोल के इधर बनेगी, एंड ऑल दीज टिडबिट्स. ओके, सो दिस इज फोकल लेंथ, हमने फोकल लेंथ फाइंड कर लिया एंड इमेज डिस्टेंस विच इज 80 सेंटीमीटर. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. जो कॉन्सेप्ट इसके पीछे छुपा था वो आपको क्लियर है. कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना था कि हमें इमेज का डिस्टेंस ना देके उसने ये कह दिया कि इमेज जो है वो एक रियल इमेज है. सो इट मीन्स हम सिर्फ मैग्निफिकेशन फार्मूला और मिरर फार्मूला याद करके नहीं जा सकते, इट विल बी वेरी रिस्की. हमें रे डायग्राम्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज रे डायग्राम्स में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आप डायरेक्टली यूज करके आंसर निकाल सकते हैं. मिरर फार्मूला इज इंपॉर्टेंट, मैग्निफिकेशन फार्मूला इज इंपॉर्टेंट, बट रे डायग्राम्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन प्रैक्टिस रे डायग्राम, एटलीस्ट 2 से 3 बार खुद से बना के देखिए रे डायग्राम एंड यू विल गेट द कॉन्सेप्ट. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13. नाउ यू कैन नोट दिस. ओके, सो वी हैव डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 13. नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14. 14 सेज एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर. कैलकुलेट द पोजिशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज एंड इट्स नेचर. सो आपको अगेन यहाँ पे भी क्वेश्चन को पढ़ के ये समझ में आता है कि दिस क्वेश्चन इज ए न्यूमेरिकल क्वेश्चन. सो लेट अस स्टार्ट राइटिंग द गिवन वैल्यूज. ओके, सो वी विल राइट द गिवन वैल्यू. गिवन क्या क्या है इस क्वेश्चन में, कि ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर. मीन्स जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है दैट इज यू इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर. नाउ दो क्वेश्चंस करने के बाद बाय डिफॉल्ट हम ये कह सकते हैं कि दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज अ नेगेटिव वैल्यू, बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने देखा है हमेशा नेगेटिव ही होता है. दिस इज अ नेगेटिव वैल्यू, वी कैन राइट इट डायरेक्टली. ओके, नाउ व्हाट, एंड इट इज गिवन अ कॉन्वेक्स मिरर, सो लेट अस राइट इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर एंड फोकल लेंथ. The focal length is represented by F and it is given as 5 centimeters. 5 centimeter आपको focal length दिए. Now, since it is a convex mirror, the focal length will be 5 centimeters. The focal length will be positive. This is a convex mirror. Now, अब हम इस question में बिना ray diagram sketch किए, बिना कॉन्वेक्स मिरर बनाए क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. दो क्वेश्चंस में तो हमने डायग्राम स्केच करके देखा, बेसिक सा डायग्राम था, बट इस क्वेश्चन में हम ये कोशिश करेंगे कि बिना डायग्राम के हम सॉल्व करके आंसर निकालें एंड फिर इमेज का नेचर भी फाइंड करें. ओके, सो हमने गिवन डेटा तो लिख दिया कि ऑब्जेक्ट जो है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, फोकल लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है. वॉट वी नीड टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज व्हिच इज वी, देन मैग्निफिकेशन व्हिच इज एम एंड magnification and then we need to find nature.
यू नीड टू फाइंड नेचर ऑफ द इमेज. हमें ये तीन चीजें फाइंड करनी है. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग. हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ दी हुई है, एंड वी नीड टू फाइंड द इमेज डिस्टेंस. सो वी नो द फॉर्मूला टू यूज. हमें पता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. वी नीड टू यूज मिरर फॉर्मूला. ओके, सो मिरर फॉर्मूला, लेट अस राइट द फॉर्मूला. 1 upon F is equals to 1 upon U plus 1 upon V. 1 upon F, focal length is positive and it is 5 centimeters, so it is 1 upon 5. This is equals to 1 upon U. 1 upon U is object distance, which is 25 but negative, so it is minus 25 centimeters plus 1 upon V. 1 upon V is the image distance. Now, you can solve this. Bring 125 here, so you will get 1 upon 5 plus 1 upon 25 is equals to 1 upon V. So 5 and 25 ka LCM nikalte hain, which is 25 only. So you will get 25 upon 5 is 5, 5 into 1 is 5 as it is, plus 25 upon 25, 25 upon 25 is 1, 1 into 1 is on low. Also 1, so it is 1 upon V. So you will get V is equals to 25 by 6 centimeters. Okay, so V is what? V is positive. By default तो हमने positive माना ही था, लेकिन वैसे भी solve करने पे भी V जो आ रहा है वो positive आ रहा है. It means image is a virtual image. Why so? Because ये mirror के right hand side पे बनती हुई दिखाई देगी, because image distance is positive. हमने अभी discuss किया था इस चीज को. Now, image distance तो आ गया. Can we calculate the magnification also? Yes, because magnification M is equals to minus V upon U. अब देखिए, magnification में अगर height of image और height of object given होता तो हम फिर HI upon HO का यूज करते, लेकिन यहां पे हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस गिवन है, इसीलिए हम माइनस वी अपॉन यू यूज करते हैं. इससे हम सॉल्व करते हैं, इट इज इक्वल्स टू, लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. M इज इक्वल्स टू माइनस एज इट इज, व्हाट इज V? V इज 25 by 6, सो आई विल राइट इट 25 by 6 अपॉन U. U इज 25 सेंटीमीटर, बट अगेन इट इज अ नेगेटिव वैल्यू, सो नेगेटिव वैल्यू इज इट माइनस 25. नाउ सॉल्व दिस, माइनस माइनस कैंसल, 25 25, एंड यू विल गेट M इज इक्वल्स टू 1 upon 6. M क्या आया? M इज 1 upon 6. सो हमने इमेज का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, मैग्निफिकेशन फाइंड कर लिया. क्या हम इस इमेज का नेचर अब बता सकते हैं? यस. देखिए, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया, इमेज का डिस्टेंस भी पॉजिटिव आया. इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव आया, इट मींस द फर्स्ट पॉइंट इज, सो लेट अस राइट नेचर ऑफ इमेज. इमेज इज अ वर्चुअल इमेज बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी, इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव. आई एम रिपीटिंग दिस टर्म्स बिकॉज ये चीज आपको याद करनी है. यू नीड टू रिमेंबर दिस. आपको ये बिल्कुल रट लेना है, घोट लेना है अच्छे से, कि इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव है तो इमेज कैसी है, इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव है तो इमेज कैसी है, हाइट उसकी पॉजिटिव है तो कैसी है, हाइट नेगेटिव है तो कैसी है. ये सारी डिटेल्स आपको याद करनी है, बिकॉज इन एग्जाम यू नीड टू यूज इट डायरेक्टली. आप वहां पे बैठ के रे डायग्राम्स बना बना के नहीं देख सकते, आपको डायरेक्टली सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्टली अप्लाई करना पड़ेगा. सो इमेज सबसे पहले कहा हमने वर्चुअल है. नाउ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, ये मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, इट मींस इमेज जो है वो डिमिनिश्ड है. हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि मैग्निफिकेशन जब पॉजिटिव, सॉरी, 1 से बड़ा होता है तो इमेज एनलार्ज होती है, 1 से छोटा होता है तो इमेज डिमिनिश्ड होती है. नाउ और हम क्या बता सकते हैं इमेज के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में?
हमने साइज के बारे में तो बता दिया कि इमेज जो है वो डिमिनिश्ड है, हमने ये बता दिया कि इमेज जो है वो वर्चुअल है। नाउ इमेज वर्चुअल है और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मतलब जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है उन दोनों के हाइट जो होंगे उन दोनों का साइन सेम होगा, साइन कन्वेंशन विल बी सेम। नाउ सिंस इट इज अ वर्चुअल इमेज आई कैन से इमेज इज इरेक्ट। हमने ये सीखा था कि वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट एंड व्हाट वर्चुअल इमेजेस आर आल्सो लिटरली इन्वर्टेड। द वर्चुअल इमेज विल बी लिटरली इन्वर्टेड। सो दिस इज द नेचर ऑफ द इमेज। अब देखिए हमने बिना रे डायग्राम को स्केच करे डायरेक्टली सिर्फ ये दो वैल्यूज फाइंड करके ही हमने बता दिया कि इमेज का नेचर कैसा होने वाला है। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरी क्लियर टू यू। नाउ यू कैन नोट दिस क्वेश्चन।